हेलो ऑल हे आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल एच यू ओन गार्गी क्लासेस द प्लेटफॉर्म वेर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल राइट दैन सो आज जो मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑल अबाउट टॉमस किड टॉमस किड के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड क्योंकि टॉमस किड की वन एंड ओनली जो ट्रेजडी है विच इज नोन एज दिस दिनिश ट्रेजडी तो जो द स्पेनिश ट्रेजडी है जो स्नेकियन ट्रेजडी है वेल नोन वेल नोन और वेल रिनाउंड ट्रेजडी ओवर एलिजिन एहरा है तो उसका कुछ डिटेल आउट अपन डिस्कस करेंगे एंड अबाउट थॉमस किड एंड हिज पर्सनैलिटी एंड अबाउट हिज़ वेल रिनाउंड ड्रामा स्पेसिफिकली तो जैसे कि अपनी सीरीज़ चल रही है ब्रिटिश ड्रामा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ ड्रामा पर फोकस करना है ऑफ टॉमस किड थॉमस किड जो कि एलिजाबेदिन ड्रामाटिस्ट थे एंड ही इज़ ऑलसो वन अमंग द यूनिवर्सिटी वर्ड्स अब तक के जो भी यूनिवर्सिटी वर्ड्स थे तो फाइव वर्ड्स उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है आज मैं टॉमस किड के बारे में डिस्कस करूँगी हु इज़ अन औदर यूनिवर्स ट ऑल राइट दैन सो हियर विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हियर आई एम मूविंग अहेड विद द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट योर टॉमस किड द ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजथ इन एराम सो टॉमस किड हुज़ बॉर्न इन नवम्बर सिक्स फिफ्टीन फिफ्टी एट ही वॉज बॉर्न इन फिफ्टीन फिफ्टी एट इन सिक्सटीन सेंचुरी In London, England he was born and he died in December 1594 in London, England. Alright then, next on he was Thomas Kidd was an English dramatist who with his The Spanish Tragedy initiated the revenge tragedy of his day. तो जो टॉमस किड की जो ट्रेजडी थी द स्पेनिश ट्रेजडी तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेजडी है यहीं से जो जॉनरे था रिवेंस ट्रेजडी का जो जॉनरे था वो यहीं से शुरू हुआ था फ्रॉम द स्पेनिश ट्रेजडी बाय टॉमस किड ऑल राइट देन एंड द स्पेनिश ट्रेजडी वॉज एंटर्ड इन टू द स्टेशनर्स रजिस्टर इन अक्टूबर फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्ले वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड एंड इंट्रोड्यूसिंग टूवर्ड्स पब्लिकेशन इन अक्टूबर फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू स्टेशनर्स रजिस्टर एक्चुअली वहाँ के जितने भी इंग्लैंड uh, में जितने भी राइटर्स होते हैं जो अपनी बुक uh, को पब्लिश कराना चाहते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन बॉक्स होता है उस रजिस्ट्रेशन बॉक्स में आने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है उस पर्टिकुलर वर्क को तो जो स्पेनिश ट्रैजडी थी वो स्टेशनर रजिस्टर में कब रजिस्टर हुई इन अक्टूबर फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू एंड ट्रेजडी जो था वो इनिशिएशन था ऑफ द रिवेंज ट्रेजडी ऑफ इस डे यहीं से रिवेंज ट्रैजडी की शुरुआत हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल अकॉर्डिंग टू योर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल राइट नेक्स्ट ऑन ऑल दो वेल नोन इन हेज़ ओन टाइम किड फेल इन टू ऑब्सक्योरिटी अंटिल सेवेंटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री वैन टॉमस हॉकिंस एन अर्ली एडिटर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी डिस्कवर दैट किड वॉज नेम्ड एज इट्स ऑथर बाई टॉमस हेवुड इन हीज़ अपॉलॉजी फॉर एक्टर्स इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व अब इसमें दो से तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं ऑल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहली चीज टॉमस किड एक्चुअली ऑब्सक्योर थे अनटिल सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी थ्री तक शायद उनका नेम इतना ज़्यादा रिनाउंड नहीं था वो जब तक जिंदा थे तब तक था बट उसके बाद में हिज़ नेम वॉज वानश उनका नाम वानश हो चुका था एक तरीके से लेकिन जब टॉमस हॉकिंस टॉमस हॉकिंस कौन है दी अर्ली एडिटर ऑफ द स्पेनिश ट्रैजडी तो स्पेनिश ट्रैजडी के सबसे पहले जो एडिटर थे वो कौन रहे हैं टॉमस हॉकिंस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है टॉमस हॉकिंस वाज दी अर्लीस्ट एडिटर ऑफ द स्पेनिश ट्राजडी तो थॉमस हॉकिंस डिस्कवर्ड उन्होंने डिस्कवर्ड किया दैट किड वाज नेम्ड एज अ ऑथर कि थॉमस किड को ऑथर बनाया गया है एज अ स्पैनिश ट्राजिडी का जो ऑथर नेम दिया गया है उन्हें वो किसने दिया थॉमस हेवुड का एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है दैट इज़ अपोलॉजीज अपोलॉजी फॉर एक्टर्स इन सिक्सटीन तो टॉमस हेवुड ने 1612 में अपोलॉजी फॉर एक्टर्स लिखा था उसमें ये चीज़ मेंशन थी दैट टॉमस केड रॉट द स्पेनिश ट्रेजडी और दैनिश ट्राजडी वॉज रिटर्न बाई टॉमस केड ऑल राइट दो चीज़ें हैं यहाँ पे टॉमस हॉकिंस ने टॉमस हॉकिंस से अर्ली एडिटर स्पेनिश ट्रेजडी के और उन्होंने डिस्कवर किया कि टॉमस हेवुड का जो वर्क है अपॉलॉजी फॉर एक्टर्स विच वॉज पब्लिश इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व उसमें ये चीज मेंशन है दैट किड वाज़ द ऑथर ऑफ द स्पैनिश ट्रेजिडी ऑल राइट नेक्स्ट ऑन अ हंड्रेड इयर्स लेटर स्कॉलर्स बिगिन टू शेड लाइट ऑन इज लाइफ एंड वर्क इंक्लूडिंग द कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग दैट ही मे हैव बीन द ऑथर ऑफ हैमलेट प्ले प्री डेटिंग शेक्सपियर्स विच इज नाउ नोन एज अर हैमलेट टू द्ले विच इज नेमलेट हैव हैज़ दी ऑथर्स नेम थ कैड तो जो अर हैमलेट है बेसिकली इसका जो ऑथर्स नेम है दैट इज थमस कैड ये बहुत टाइम बाद में ये चीज़ पता चली स्कॉलर्स ने इस चीज़ को डिस्कवर किया बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ईश्यू रहा हुआ है ये जो भी शेक्सपियर का जो हेम हैमलेट था उससे पहले प्री डेटिंगली ये पब्लिश हुआ हुआ वर्क है जस जो कि किस नेम से पब्लिश हुआ था अर हेमलेट से ऑल राइट right. द प्ले द ओनली अदर प्ले सर्टेनली बाय टॉमस किड इज़ कॉर्नीलिया अपार्ट फ्राम द स्पेनिश ट्रेजडी अपार्ट फ्राम द स्पेनिश ट्रेजडी जो उनका दूसरा जो वेल रिनाउंड वर्क था ऑफ टॉमस किड वो कौन सा था कॉर्नीलिया कॉर्नीलिया वॉज दी अनोदर वर्क अपॉन द नेम ऑफ टॉमस किड एंड ऐसे इन सनेकन ट्रेजडी एंड ऐसे इन सनेकिन ट्रेजडी ट्रांसलेटेड फ्राम द फ्रेंच ऑफ रॉबर्ट गार्नियर्स अकेडमिक कॉर्नीले तो बेसिकली ये पर्टिकुलर वर्क कॉर्नीलिया वॉज एक्चुअली रिटर्न बाय द फ्रेंच राइटर हुज नेम एज रॉबर्ट गार्नियर रॉबर्ट गार्नियर का ये वर्क था कॉर्नीले जिसको ट्रांसलेट किया गया था बाय टॉमस किड इन इंग्लिश नेम्ड पॉन कॉर्नीलिया ऑल राइट इन फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर में ये पर्टिकुलर वर्क आया था तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कौन अर्ली एडिटर था स्पेनिश ट्रेजडी का किसने uh, किसने और किस अपने किस वर्क में टॉमस किड को एज द ऑथर ऑफ दी स्पेनिश ट्रेजडी टाइटल दिया था एंड अर हैमलेट एग्जैक्टली किसका वर्क है ऑल राइट अर किसका वर्क है और ये किस तरीके से रिलेट करता है फ्रॉम टू दी हैमलेट और बाय विलियम शेक्सपियर ऑल राइट एंड टॉमस किड का जो वर्क है कॉर्नीलिया वो एक्चुअली किसका ट्रांसलेशन है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट ऑन वी वुड फोकस और शेडल लाइट अ बेड लाइट अपॉन कॉर्नीलिया प्लॉट दो देर आर लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्ले स्टिल आई फॉन्ड फ्रॉम समवेयर दिस अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्नीलिया सो कॉर्नीलिया और अ पोम्पी द ग्रेट हेज फेयर कॉर्नीलिया स्ट्राजडी इसका पूरा नाम है कॉर्नीलिया और पॉम्पी द ग्रेट हेज फेयर कॉर्नीलिया स्ट्राजडी इज अ प्ले बाय टॉमस किड द प्ले इज़ अबाउट कॉर्नीलिया मैटेला द विडो ऑफ पोम्पी सो देर आर टू कैरेक्टर्स एक पॉम्पी जो कि प्रोटैगनिस्ट है उसकी विडो होती है जिसका नाम होता है कॉर्नीलिया द प्ले एंड्स विथ पोम्पीज डेथ लास्ट में पॉम्पी की डेथ हो जाती है एंड द रिएक्शन फ्राम इज फैमिली और किस तरीके का उसका रिएक्शन होता है उसकी डेथ के बाद वो सारा इस प्ले में बताया गया जूलियस सीजर जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और विलियम शेक्सपियर का बहुत ही रनाउंड प्ले भी है और रोमन रोम का एक बहुत ही रनाउंड पर्सनैलिटी भी रहा हुआ है सो जूलियस सीजर डज नॉट अपीयर इन पर्सन बट हैज अ प्रेजेंस थ्रू आउट द थ्रू आउट द प्ले ही हैज़ अ प्रजेंस उसकी प्रेजेंस होती है बट एज अ पर्सन वो इस पूरे प्ले में अपीयर नहीं होता है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा प्ले है बाय टॉमस किट जिसमें जूलियर सीजर एज अ पर्सन नहीं अपेयर होता है बट उसकी प्रेजेंस थ्रू आउट रहती है या फिर कॉर्नीलिया में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो प्रेजेंस थ्रू आउट उसकी प्रेजेंस रहती है प्ले बट एज अ पर्सन वो अपीयर नहीं होता है इस तरीके से यहाँ पे मैंने कोटेशन लिया है फ्रॉम दी स्पैनिश द्रेजडी दैट इज द लेस आई स्पीक द मोर आई मेडिटेट द लेस आई स्पीक द मोर आई मेडिटेट दिस पर्टिकुलर कोट इज टेकन फ्रॉम थॉमस किड्स द स्पैनिश ट्रेजडी ऑल राइट अब अपन बात करेंगे द वेल रनआउंड ड्रामा बाय थॉमस किड जिसकी वजह से उनकी थॉमस किड की जो फेम है वो अभी तक है सो द स्पेनिश ट्रेजिडी और हिरोनिमो इज अगेन, द स्पेनिश ट्रेजडी और हिरोनिमो इज अगेन, एंड एलिजाबेथन ट्रैजडी दिस इज एंड एलिजाबेथन ट्रेजिडी द प्ले कंटेन्स एवरल वॉयेंट मर्डर्स एंड इंक्लूड्स एज वन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स अ परसोनिफिकेशन ऑफ रिवेंज इस पर्टिकुलर प्ले में बहुत सारे वॉयेंटली मर्डर किए गए हैं प्लस इसमें एक कैरेक्टर एक पर्सोनिफाइड कैरेक्टर बताया गया है रिवेंज को मतलब एक ऐसा कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि रिवेंज को रिप्रेजेंट करता है या फिर रिवेंज को पर्सोनिफाई किया गया है इस पर्टिकुलर प्ले में द स्पेनिश ट्रेजडी इज़ ओफन कंसिडर टू बी द फर्स्ट मेच्योर एलिजाबेथन ड्रामा ये फर्स्ट मेच्योर एलिजाबेथन ड्रामा था फर्स्ट थिंग सेकेंड जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो स्पैनिश ट्रेजडी था दैट इज द इनिशिएशन दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ रिवेंज ट्रेजडी रिवेंज ट्रेजडी का इनिशिएशन टॉमस किड ने द स्पैनिश ट्रेजडी के थ्रू ही किया था और इसमें एक्चुअली ब्लड शेड स्टेज पे दिखाया गया था पहले क्या होता था इन अर्लियर ड्रामास अगर कोई भी ऐसा वायलेंट प्ले है मर्डर सीन्स है तो वो ऑफ स्टेज दिखाए जाते थे ऑन स्टेज सिर्फ उनका अनाउंसमेंट होता था थ्रू द कॉरस कॉर्स के थ्रू सिर्फ अनाउंसमेंट होता था बट इन टू दिस पर्टिकुलर ड्रामा द स्पेनिश ट्राजडी सारे जितने भी ब्लड शीट्स थे वॉयेंट ब्लड शीट्स थे वो पूरे ऑन uh, स्टेज दिखाए गए थे यहाँ पर मैंने दूसरा कॉट लिया है फ्रॉम दिन ट्रेजडी दैट दैट इज़ गुड फॉर द बॉडी इज़ लाइक वाइज गुड फॉर द सोल दैट इज़ गुड फॉर द बॉडी इज़ लाइक वाइज गुड फॉर दोल टू ऑल राइट आप सबसे पहले आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा सबसे पहला मेरा जो टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में डिफाइन करने का उसके बाद ही मैं पर्टिकुलर जो स्टोरी लाइन है उसको डिस्क्राइब करूँगी तो आप एक एक कैरेक्टर को ढंग से देखिएगा एंड एक मैं सजेशन आपको देना चाहूँगी जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं डू नोट डाउन योर ओन नोट्स आपने खुद के नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी खुद की राइटिंग में और राइट सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल टू लर्न इन फ्यूचर लर्न फ्यूचर में आपके लिए खुद के लिए बहुत सही होगा कि आप अपनी खुद की राइटिंग में आप अपने खुद के कैरेक्टर्स में उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाए इन फ्यूचर सो so, अपना जो पहला कैरेक्टर है ऑफ दी स्पैनिश ट्राजडी अब आपके सामने बहुत ही एक uh, क्या था ना ब्लडी वॉलेंट ड्रामा रिप्रेजेंट होने जा रहा है तो सबसे पहला जो यहाँ पे कैरेक्टर है वी हैव हिरोनिमा हिरोनिमा जो है वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का मेन जो हीरो है वो हिरोनिमा है हिरोनिमा स्टार्ट्स आउट एज अ लॉयल सर्वेंट टू द किंग और जो हिरोनिमा होता है वो लॉयल सर्वेंट होता है किंग का हि सन मर्डर्ड लेकिन अब क्या होता है exactly, एग्जैक्टली एक कोई भी पर्सन होता है बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर उसके साथ एक कोई गलत काम हो जाता है वो भी उसके खुद के साथ और वो गलत काम करने वाला कोई और पर्सन होता है तो वो क्या बन जाता है दैट गुड पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी और इनजस्टिस दैट पर्सन फोज हिमसेल्फ और गोज इन टू द वर्ल्ड ऑफ विलन यही होता है ना अपन स्टोरीज़ में भी देखते हैं मूवीज़ में भी देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ आप उठा के देख सकते हैं कोई भी एक बहुत सही कैरेक्टर होता है बहुत इंटालिजेंट uh, होता है शार्प माइंडेड होता है गुड होता है लॉयल होता है हर तरीके से परफेक्ट पर्सन होता है बट उसके साथ एक कोई ऐसी इनजस्टिस हो जाती है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड ऑल ऑफ सडन किस में ट्रांसफ़र हो जाता है इन द वेलन तो यहाँ पर हानिमो के साथ भी यही है बहुत लॉयल uh, होता है ऑनेस्ट होता है और एक गुड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले फर्स्ट जो एक्ट होता है उसमें वो एज अ लॉयल काम डिस एज अ परफेक्ट मैन शो होता है बट बाद में जब उसके खुद के बेटे की डेथ हो जाती है डेथ नहीं होती एग्जैक्टली ही वॉज मर्डर्ड बाय समी एल्स उसका मर्डर होता है हो रैशियो का बे हिरानिमा का बेटा होता है हो उसका मर्डर हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है विलन बन जाता है एक मिक्यावली विलन बन जाता है और राइट सो एक अश्रूड और प्लस मिक्यावलिन एक प्लॉटर बन जाता है वो एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो कि प्लॉट आउट करता है अगेंस्ट द मर्डरर्स उन मर्डरर्स के अगेंस्ट में प्लॉट तैयार करता है उन्हें पनिश करने के लिए और राइट सो इट इज नॉट अंटिल इट डिस्कवर द सन हो रेशियज मर्डर murderer बॉडी इन द second act that ही बिकम्स द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले सो दिस वॉज हैपन इन दौनली इन द सेकेंड एक्ट जब वो उसको पता चलता है कि उसके बेटे और राशियो का मर्डर हुआ है तब वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले बन जाता है अदरवाइज एक्ट वन में वो सिर्फ एक नॉर्मल डिसेंट लॉयल और एक सर्वेंट होता है लॉयल सर्वेंट होता है ऑफ द किंग ऑफ स्पेन ठीक है बाद में उसका जो कैरेक्टर है वो चला जाता है इस कैरेक्टर अंडरगोज इस कैरेक्टर अंडरगोज अ रेडिकल शिफ्ट ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले फ्रॉम ग्रीविंग फादर टू मेकियावल इन प्लॉटर आफ्टर ई सर्न्स मर्डर ही इज़ कॉन्स्टेंटली पुशिंग पुशज एक्चुअली पुशेज द लिमिट्स ऑफ सेंटी एज़ एविडेंस बाय हैज रेटिक स्पेशन बिहेवियर सो थ्रू आउट प्ले जब आप प्ले को एक्चुअली अपन स्टडी आउट करेंगे तब आपको इस कैरेक्टर के बारे में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा Uh, sorry, thicke. so this is all about our protagonist of the play, whose name is Hieronymous. Next character we have is the main female character of the story. Belle Emperia is the main female character of the story, the daughter of Duke of Castle. So she was the daughter of the Duke of the Castle, and she is heartstrong, as evidenced by her decisions to love Andrea and Horatio.

जो कि डॉटर होती है ऑफ द ड्यूक ऑफ कासल ड्यूक एक पोजेशन पोजेशन होता है किसी भी किंगडम में ठीक है एंड बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग होती है एविडेंस्ड होती है एंड शी वाज एक्चुअली अर्लियर इन लव विद एंड्रिया एंड लेटर ऑन शी फेल इन लव और बाद में वो हॉराशियो से प्यार करने लग जाती है एंड ये जो चीज़ें थी अर्लियर शी वॉज इन लव विद एंड्रिया एंड लेटर ऑन विद हरेशियो इन दोनों लव लव अफेयर्स के अगेंस्ट में थे उसके ख़ुद के फादर एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट ब्यूटिफुल शी वॉज एंड टेंडर हार्टड शी वॉज ऑल्सो बट जब उसे पता चलता है दैट अर्लियर एंड्रियो वॉज एंड्रिया वॉज मर्डर्ड बाय सम्बटी एल्सन देन होरेशियो वॉज ऑल्सो मर्डर्ड तो वो भी हिरोनिमो के जैसे एक विलन में कन्वर्ट हो जाती है और प्लॉट क्रिएट करती है एक प्लॉट बनाती है अगेंस्ट द मर्डरर मतलब रिवेंज लेने का रिवेंज uh, लेने के uh, इरादे से वो प्लॉट क्रिएट करती है अलोंग विद दी हेल्प ऑफ हिरानमा तो हिरानमा और बैल एमपीरिया दोनों ही बहुत अच्छे गुड हार्टेड कैरेक्टर्स होते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस विच हैपन विद दैम वो एक रिवेंशियस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते है दोनों ऑल राइट right. नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव लोरेंजो लोरेंजो वन ऑफ वन ऑफ हरेशोज मर्डरर्स तो जो हरेशो के जो मर्डर में से पहला जो नाम आता है वो आता है लोरेंजो का ठीक है लोरेंजो उस कैरेक्टर रिमेंस फेयरली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्ले थ्रू आउट द प्ले कोई भी ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली exactly लॉरेंजो ही हरेशो का मर्डरर है बहुत ही फेयरली अपना एक्ट प्ले करता है बहुत फेयरली अपना रोल प्ले करता है एक तरीके से एक मैनिपुलेटर होता है वर्बल मैनिपुलेटर होता है जो ईज़िल लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है और लास्ट तक पता नहीं चलता एग्जैक्टली द लॉरेंजो इज़ द मर्डर ऑफ रैशियो तो एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है ठीक है एंड द थिंग इज लोरेंजो uh, बहुत ही श्रूद होता है इस मामले में क्योंकि वो किसी को डाउट भी नहीं होने देता अपॉन है अपॉन हैम तो इस तरीके से वी हैव द थ्री कैरेक्टर्स अर्लीअर हिरानिमो बैलम्पेरिया एंड लोरेंजो नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज बाल्थजार ना हु इज़ बाल्थजार बाल्थजार इज द प्रिंस ऑफ पॉर्चुगल तो यहाँ पे जो स्टोरी चलती है वो दो किंगडम्स के बीच में चलती है स्पेन एंड पॉर्चुगल तो जो बाल्थजार uh, होता है वो प्रिंस होता है पॉर्चुगल का एंड ही वॉज द सन ऑफ पॉर्चुगीज व्री और पॉर्चुगीज का जो वाइश्री होता है उसका बेटा होता है वन एंड ओनली सन होता है बाल्थजार इज कैरेक्टराइज बाई हिज एक्सट्रीम प्राइड एंड इज हॉट हारस बाल्थजार बहुत ही एक एक्सट्रीमली प्राइड कैरेक्टर होता है ठीक है एक्सट्रीमली प्राइड कैरेक्टर होता है हॉट एंग्री होता है थोड़ा वी कैन सी हॉट हेटेडनेस मतलब साडन रियाक्ट रियाक्टिव होता है बहुत ज़्यादा और इसी प्राइड की वजह से उसने हराशियो का मर्डर किया अलॉन्ग विद दी हेल्प ऑफ लोरेंजो तो लोरेंजो प्लस बालतजार दोनों मर्डर हैं ऑफ हराशियो के ठीक है एंड वो एक वलन होता है बाद में एंड ही आल्सो किल्स ही किल्ड एंड्रिया फेयरली और उसने एंड्रिया का भी मर्डर किया होता है बालतजार ने एंड्रिया और उसके बाद में हुशो दोनों का मर्डर किया होता है ठीक है अलॉन्ग विद दी हेल्प ऑफ नानंद दैन लोरेंजो सो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा श्रूट कैरेक्टर है और अपने प्राइडनेस की वजह से अपने घमंड की वजह से अपने हॉट हेडेडनेस की वजह से उसने दो कैरेक्टर को दो बेगुना कैरेक्टर्स को उसने मर्डर किया एंड बट ही वाज एक्चुअली फेयर फेयरली इन लव विद पीरिया वो बैलम के साथ जानवनली प्यार में था और इसी वजह से दिस लव ओनली इनिशियटेड हेम टू मर्डर बोथ दी कैरेक्टर्स और शायद उसी वजह से उसने दोनों कैरेक्टर्स को आ, मारा था क्योंकि जो एंड्रिया था उसके साथ पहले बैलम पीरिया वॉजन लावद और लेटर ऑन हो रैश हो रैशो जो था उसके साथ शिवन लावद अगैन तो उन दोनों कैरेक्टर्स के मर्डर का सबसे मेन जो रीज़न था वो यही था कि बालथजार वॉजन लावद ही वॉज इन लव विद बैलम पीरिया और बैलम पीरिया का अटेंशन उन दोनों की तरफ देख के ही फोर्ज हिमसेल्फ और ही पुल्ड हिमसेल्फ इन टू द मर्डर ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव हॉरेशियो हॉशियो के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है जो कि हिरानमा का वन एंड ओनली सन था जिसका मर्डर हो चुका था जिसका बालतजार और लोरेंजो दो मर्डरर्स वी हैव घॉट सो हरेशियो वॉज द प्राउड प्रामिसिंग सन ऑफ हिरानम हो रेशियोज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड लॉयल्टी इज शॉन इन इज एक्शंस टूवर्ड्स एंड्रिया ही ऑल्सो कैप्चर्स एंड्रियाज किलर बालतसार तो वो बहुत अच्छे से एंड्रिया के बहुत ज़्यादा क्लोज़ था उसके लॉयल था और इसी वजह से उसने एंड्रिया का जो मर्डर था बालतजार उसको कैप्चर किया था और ड्यूरिंग बैटल उसको पता चल गया था कि बालतजार वॉज द किलर ऑफ एंड्रिया और लेकिन बाद में उसे अपनी लॉयल्टी अपनी ड्यूटी का एक्चुअली पनिशमेंट में मिला था ही वॉज बींग किल्ड बाय बाय बाल और राइट अनदर कैरेक्टर वी हैव इज द घोस्ट ऑफ एंड्रिया क्योंकि जो प्ले शुरू होता है ना उससे पहले ही एंड्रिया मर चुका होता है तो घोस्ट ऑफ एंड्रिया अपेयर होता है एंड्रियाज घोस्ट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर वी सी इन द प्ले एंड्रिया का जो घोस्ट था वो पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसको अपन प्ले में कन कन्फ्रंट होते हैं जिसको देखते हैं द फर्स्ट वॉइस टू क्राई आउट फॉर रिवेंज और इसकी अकेले की फर्स्ट क्राई थी जो कि रिवेंज के लिए क्राई आउट करती थी हिज क्वेस्ट फॉर रिवेंज कैन बी सीन बोथ एज अ क्वेस्ट फॉर जस्टिस वो जस्टिस का भी क्वेस्ट कर रहा था मतलब जस्टिस के लिए भी वो प्रे कर रहा था रिवेंज के लिए भी प्रे कर रहा था साइमल्टेनियसली सिंस इट इज सैंक्शन अ बाईफोन परसफॉन इज एक्चुअली अंडर वर्ल्ड गॉड द क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड सॉरी परसफॉन इज द क्वीन ऑफ अंडर वर्ल्ड एंड अ क्वेस्ट फॉर क्लॉजर एज अ क्वेस्ट फॉर क्लॉजर एंड्रिया इज डिनाइड क्लॉजर वेन ही ट्रैवल्स टू द अंडरवल्ड बिकॉज द थ्री जजेस दे आर कैनॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस हेम अरॉनिकली तो क्या करता है एंड्रिया का जो भूत अपेयर होता है घो जो अपेयर होता है वो उसको पर्साफॉन जो होती है द क्वीन ऑफ अंडरवल्ड उसको गाइड करती है और उसे uh, अनवल्व में ले जाते हैं वहाँ पे तीन जजेस होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली एंड्रिया जो कि मर चुका है उसको कहाँ पे प्लेस आउट करे बट फाइनली अल्टीमेटली ये आता है कि वो खुद ही जज बन जाता है ये चीज़ तो हो गई उसकी आफ्टर uh, डेथ जो लाइफ चल रही थी उसका प्लस वो अब रिवेंज के लिए और जस्टिस के लिए क्राई आउट करता है एट द वेरी फर्स्ट ऑफ द प्ले अब जब दूसरा कैरेक्टर की हम बात करते हैं रिवेंज जो कि कैरेक्टर है already mentioned, जो है वो कैरेक्टर सो एंड्रिया कम्पेनियन थ्रू आउट द प्ले जो रिवेंज होता है ये एंड्रिया का कंपेनियन होता है थ्रू आउट द प्ले रिवेंज इज स्पिरिट दैट सिम्बोलाइज द फोर्स ऑफ रिवेंज दैट डोमिनेट्स द प्लेज एक्शन और जो प्ले का जो मेन एक्शन जो डोमिनेट करता है वो रिवेंज ही करता है ही टॉक्स टू द लिविंग कैरेक्टर्स एज अफ देवर परफॉर्मिंग अ ट्रेजिडी फॉर हिज एंटरटेनमेंट और वो जो जितने भी लिविंग कैरेक्टर्स हैं उनसे ऐसे बात करता है जैसे कि वो ट्रेजिडी जो भी जो रिवेंस ट्रेजडी जो भी रिप्रेजेंट हो रही है ओवर द स्टेज या इन रियलिटी तो वो सारी उसको एंटरटेन करने के लिए ही रिप्रेजेंट हो रही है ऐसा लग रहा है ठीक है नेक्स्ट और अनादर कैरेक्टर वी हैव इज इजाबेला इजाबेला एग्जैक्टली बला की वाइफ होती है और रैशियो की मदर uh, होती है हिरानिमो सफरिंग वाइफ हिरानिमो की सफरिंग वाइफ होती है क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन वो एक तरीके से पागल हो जाती है डिप्रेशन में आ जाती है हर इन एक्शन इज अ फॉइल टू हिज एंड बैलमपीडियाज एक्शन उसका जो इनैक्शन होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो फोर्स करता है हिरानमा और बैल एम्पीरिया को रिवेंज लेने पे हर एंड एक्शन अलॉन्ग विद विजन्स ऑफ अ डैड हरेशियो और उसे कॉन्टिन्यू विजन्स आते रहते हैं डैड हरीशियो के अपने बेटे के मर्डर के और वो जो सीन था जो विजन था वो उसे हमेशा टॉर्मेंट करता था थ्रू आउट द प्ले शी वॉज बीन टॉर्मेंटेड बाय ऑल दोज विजन्स सो प्रोवाइडिंग दिस विजन प्रोवाइडिंग एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ हरिमोज मोर सब मैडनेस और इसी वजह से जो हिरानिमा था वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में था हर डेथ बाय हर ओन हैंड फोश हिरानमो सुसाइड फाइनली उसने अपने आप को एग्जैक्टली मार दिया था हर डेथ बाय हर ओन शी कमिटेड सुसाइड और हिरानिमो ने भी सुसाइड अटैम्प्ट किया था एट द एंड ऑफ द प्ले ठीक है तो इजाबेला बैला एंड होराशियो ये फैमिली है होराशियो की डेथ हो जाती है मोर्डर हो जाता है तो इस तरीके से उसके पेरेंट्स सफ़र करते हैं ठीक है अनदर कैरेक्टर वी हैव इन टू दिस प्ले द किंग द किंग ऑफ स्पेन द किंग ऑफ स्पेन इज़ एन एम्बीवलेंट कैरेक्टर एट टाइम्स ही अपीयर्स नॉबल एंड इज डेफिनेटली फ्रेंड टू रॉनमो जो किंग ऑफ स्पेन थे वो एग्जैक्टली एक तरीके से फ्रेंड थे सपोर्टिव थे ऑफ रॉनमो एंड ही इज़ ऑल्सो Uh, very compassionate and loving, and of course he always supports Hieronymo in his acts. So this is all about our uh, the main um, one among the main character, the King of the Spain. Another characters, minor characters, we have two into this play, the vicery Viceri, who portugal Portugal's viceroy Baltazar. I've already mentioned this. The King's counterpart in Portugal. द वाइसरी इज शोन एज बोथ एज लविंग फादर बट ऑल्सो वीकिंग वो एक तरीके से वीक भी होता है प्लस एक लविंग फादर भी होता है अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने बेटे की वजह से वो इतना ज़्यादा वीकन हो जाता है डिफीट भी होता है एक बैटल में ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टर और अनदर माइनर कैरेक्टर वी हैव एज पैजो पैजो पैड्रिगेनो इज बैल एम्पीरिया सर्वन पैट्रिगैनो बैल एम्पीरिया का सर्वेंट होता है पै पैड्रिगनो इज और इजीली ब्राइब एंड इज बट्रेज बैल एम्पीरिया एंड इज़ वन ऑफ द गैंग ऑफ फोर मर्डर हो केल हो रैशियो तो एग्जैक्टली हो रेशियो के मर्डरस में चा चार लोग होते हैं चार लोगों की गैंग होती है बाल्थजार वी हैव लोरेंसो वी हैव एंड दी अनोदरवर पैड्रिया पैड्रिगनो जो सॉरी टू प्रनाउंस दिस पर्टिकुलर नेम विच इज़ नेम्ड आज पैड्री पैड्रिगेनो सो पैड्रिगेनो जो होता है एग्जैक्टली बैल एमपीरिया का सर्वेंट होता है लेकिन वो बाद में उसको ब्राइब कौन कर देता है उसको आ, ब्राइब कर देता है लोरेंसो एंड ये बालथजार और इसकी वजह से वो उनके साथ हो जाता है और मॉडर करता है हुरैशो का ठीक है तो जो पैड्रिगनो होता है वो उसको इजीली ब्राइब हो जाता है वो सिर्फ उन्हीं का सपोर्ट करता है अगर उसके कैरेक्टर को देखें तो वो उनका सपोर्टिव होता है जिसमें उसको बेनिफिट दिखता है कि मुझे किससे बेनिफिट हो सकता है लेकिन लास्ट में क्या होता है वो लोरेंजो लोरेंजो um, उसको बिट्रे कर देता है दिस इज़ ऑल ऑबिवियस इन ह्यूमन नेचर जब आप किसी को बिट्रे करते हो ना किसी और के लिए तो फाइनली आपको भी वो बिट्रेमेंट का आ, सामना करना पड़ता है आपको भी उस आ, एक्ट का सामना करना पड़ता है जो आपने किसी और के साथ किया है अनादर कैरेक्टर वी हैव एज सरबैरिन सर बरिन इज बाल्थजार्स मैन सर्वेंट ये बाल्जार का मैन सर्वेंट होता है वो अलॉन्ग विद लोरेंसो बाल्थजार एंड पैड्रियनो किल्स होराशियो तो वी हैव द फोर मर्डर अ गैंग ऑफ फोर किल्ड हराशियो ये चारों लोग हैं लोरेंसो बाल्थजार पैड्रिगाना एंड सबेरिन ठीक है अनादर कैरेक्टर वी हैव इज बुजॉल्टो बुजॉल्टो एन ओल्ड मैन ही इज बुजॉल्टो विजिट्स हेरोनिमा बिकॉज हिज बिकॉज बिकॉज हिज ओन सन हैज़ बीन मर्डर्ड एंड ही वांट्स द नाइट मार्शल्स हेल्प इन फाइंडिंग जस्टिस तो बुजॉल्टो एक कैरेक्टर होता है माइनर कैरेक्टर होता है जो कि uh, अपियर होता है इन फ्रंट ऑफ रोनमो और वो उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है बैक करता है कि मुझे अपने बेटे के मर्डर्स को सज़ा दिलानी है तो ये एक तरीके से कह सकते हैं इनिशियल फीलिंग अराइज होती है जब बुजॉल्टो रिक्वेस्ट करता है रॉनमो से टू गेट द जस्टिस तो हिरानमो भी हिरानमो के अंदर भी एक चीज़ अराइज होती है कि मुझे भी अपने बेटे का एक्चुअली रिवेंज लेना चाहिए जब इतना ओल्ड हो कि ये अपने बेटे को जस्टिस दिलाना चाहता है आफ्टर हिज मॉर्न अनादर माइनर कैरेक्टर वी हैव एम्बेसिडर एम्बेसडर हु इज द पॉर्चुगीज एम्बेसिडर दिस इज़ एंड दिस ही प्लेज एज द रोल ऑफ द एजेंट ऑफ़ कम्युनिकेशन बिटवीन द किंग एंड दाइसरी his presence appears purely functional into this play and he uh, always try exchanging information between the portuguese and the spanish court all right another character we have is a uh, valupo valupo is a nobleman who for no reason clear to the audience betrays alexandro he almost serves as a personification of deceit so she, he personified एज अ डिसट वो एक डिसीट को रिप्रेजेंट करता है और वो बिट्रे करता है अलेक्जेंड्रो को ठीक है एंड अनोदा कैरेक्टर जो जनरल ऑफ द स्पेनिश आर्मी जो जनरल होता है स्पेनिश आर्मी का वो डिस्क्राइब करता है बैटल को बिटवीन स्पेन एंड पॉर्चुगल इन एक्ट वन एक्ट वन में जो स्पेन और पॉर्चुगल के बीच में जो बैटल होता है उसको डिस्क्राइब कौन करता है द जनरल ऑफ द स्पेनश आर्मी अनादर कैरेक्टर वी हैव इज क्रिस्टोफिल क्रिस्टोफिल जो होता है वो सर्वेंट होता है जो कि अटेंड करता है बैल एम्पीरिया को वाइल शी इप्ड प्रेजनर बाय लोरेंजो जब लोरेंजो उसको एज अ प्रज्नर रखता है बैल एम्पीरिया को तब उसको सर्व कौन करता है क्रिस्टोफिल हैंगमैन होता है हैंगमैन जो होता है वो पैड्रीगनो को जब हैंग कर रहा होता है तो उसके साथ में कुछ विटी और जूवियल जॉबियल बातें शेयर करता है कॉन्वर्सेशन करता है कैरेक्टर इज द पेज इज अ मैसेंजर बॉय जो पेज होता है वो एक मैसेंजर बॉय होता है एंड ही प्लेज द रोल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड इट इज बिलीव्ड इट इज़ बिलीव दैट टू होल्ड इट इज़ बिलीव्ड दैट ही कैरीज ही ब्रिंग्स द लोरेंजोस एम्प्टी बॉक्स टू द एक्सिक्यूशन And, uh, which is believed to hold a pardon for padriano and after the page uh, looks inside he does not tell anyone that it is empty uh, he doesn't tell anyone out of the fear of his own life this has a distinct impact on the play since padriano's belief that he will be pardoned stops him from exposing lorenzo as one of the horatio's murders before it is too late सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर दी कैरेक्टर्स ऑफ दी स्पेनिश ट्रेजिडी जिनके बारे में मैंने बता दिया है आपको स्टोरी लाइन भी समझ में आ गई होगी दो एक्जैक्टली दो किंगडम्स हैं दो कंट्रीज हैं वी कैन से दो किंगडम्स हैं स्पेन एंड पॉर्चुगल तो पॉर्चुगल और स्पेन के बीच में डिस्प्यूट होता है इन टू द एक्ट वन जो एंड्रिया होता है उसका मर्डर हो जाता है बिफोर बिगनिंग ऑफ द एक्ट मतलब प्ले जब शुरू होता है उससे पहले उसका मर्डर हो चुका होता है वो रिवेंज के लिए गुहार करता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस टू द पीपल जो कि उससे रिलेट करते हैं हरेशियो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है लॉयल होता है तो वो ट्राई भी करता है उसका मर्डर्स को फाइंड आउट करने में लेटर ऑन आपने को मर्डर्स का भी पता चल जाता है हरेशियो का भी मर्डर हो जाता है बेलम्पीरिया जो होती है क्योंकि उसके प्यार में बालथजर होता है बालथज़र जो कि पॉचुगेज़ प्रिंस होता है जो पॉर्चुगेज़ वाइसरी होता है उसका बेटा होता है तो वो सर बैलमपीरिया को पाने के लिए उसने पहले एंड्रिया का मर्डर कर दिया दैन हुरैशिया का हिरानिमो और बैलम्पीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम द गुड इन टू द बैड कैरेक्टर्स जो कि प्लॉट क्रिएट करते हैं टू कैप्चर द मर्डरर्स ऑफ हरेशियो एंड एंड्रिया लेटर ऑन स्टोरी मूव होती है जो मर्डर्स थे उनको पकड़ा जाता है थ्रू द प्लॉटिंग लास्ट में उनको सज़ा भी होती है ब्लड शेड्स भी होते हैं जो हैश हरानिमो है वो वो सुइसाइड कमिट करता है उसकी वाइफ सुसाइड कमिट करती है सो दीज आर द थिंग्स विच मेड दिस पर्टिकुलर प्ले द स्पैनिश ट्रैजडी एज अ रिवेंज ट्रैजडी जहाँ पे एक मर्डर uh, जो दो मर्डर्स होते हैं उनके रिवेंज के लिए जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दे कन्वर्टिंग दे ऑल कन्वर्टिंग इन टू द बैड वन विलन्स बन जाते हैं और उसके बाद में वो जो भी सीन क्रिएट करते हैं जो भी प्लान्स करते हैं मोर्डर्स को पकड़ते हैं ब्लड शेड होता है सारी चीज़ें हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर कैरेक्टर्स जो मेन स्टोरी लाइन है आई विल डेफिनेटली लेट यू नो बाई टमोरो टिल दैन स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ओ वीडियो एंड अब तक जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है उससे रेलिवेंट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कॉमेंट करके पूछ सकते हैं Alright, then, and don't forget to subscribe the channel Gargi Classes and do like the videos, whatever we have been providing for you all. And of course, press the bell icon to get the notification of our each video. So, thank you so much and stay connected with Gargi Classes. Alright, then.